शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। बकरीद स्पेशल में आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी नवाबी सेवैयां, जिसे खाने के बाद यकीन करें आप हाथों को नहीं रोक पाएंगे। और जैसा कि बकरीद में नमकीन के साथ कुछ खाने को मीठे का दिल करता है, तो आप इस मज़ेदार सी नवाबी सेवैयों को बना सकते हैं। एकदम ऑप्शनल रेसिपी है और यकीन माने बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी इस मज़ेदार सी नवाबी सेवैयां बनाने का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। नवाबी मीठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले ली है जी बारीक सेवैयां, जो कि एक पाव है। आपके पास जो भी सेवैयां हैं आप ले सकते हैं, लेकिन आपने बारीक वाली लेनी है। इसी तरह से आप इन्हें अच्छी तरह से हमने तोड़ लेना है, बिल्कुल छोटा छोटा सा बारीक बारीक सा, इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं सेवैयां बहुत ही अच्छी तरह से बारीक हो चुकी हैं। इस तरफ हमने एक पैन में लिया है 3 टेबल स्पून घी। फ्लेम को ऑन करेंगे और ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे सेवैयां। और सेवैयों को अब मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को हल्का करना है और हल्की फ्लेम पर इन सेवैयों को हमने भून लेना है। हल्की फ्लेम पर भूनेंगे तो सेवैयां जलेंगी नहीं, अगर तेज़ फ्लेम रखेंगे तो सेवैयां थोड़ी जल जाएंगी, इसलिए आपने फ्लेम को कम ही रखना है। सेवैयों को हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि जब हम नवाबी मीठा बनाएंगे तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सेवैयों का करंच आएगा। तो सेवैयों को यहाँ पर आपने अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि सेवैयों का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। माशाल्लाह सेवैयां बेहतरीन सी भून चुकी हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर का ही ऐड कीजिए क्योंकि ये जल्दी मेल्ट हो जाती है। और अब इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, यानी कि खुश दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने से ना ये सेवैयां थोड़ी क्रीमी टाइप मज़े की हो जाएंगी फ्लेवर में। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब हमने सेवैयों की अच्छी तरह से भुनाई करनी है और फ्लेम को आपने हल्का ही रखना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं सेवैयों की हमने बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। कितनी ज़बरदस्त सन का कलर भी चेंज हो चुका है और कितनी खुश खुश लग रही हैं फ्राई होने के बाद। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सेवैयों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमने ले लिया है जी दूध 1 kg। यहाँ पर मैं फ्रेश दूध का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून शुगर, या फिर अपने लिहाज से आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और दूध को हम अच्छी तरह से बॉयल आने तक पकाएंगे। हमने ले ली है जी एक बाउल में 1/2 कप दूध। इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पर मैं मैंगो फ्लेवर ले रही हूँ। आपके पास जो भी फ्लेवर है आप ले सकते हैं। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना रहे, अच्छी तरह से कस्टर्ड पाउडर दूध के साथ मिक्स हो जाए। कस्टर्ड का ये मिक्सचर तैयार है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं दूध में भी बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया है इसे ऐड करेंगे कम कम क्वांटिटी में और साथ साथ मिक्स करेंगे। एक साथ आपने सारा नहीं ऐड करना, वरना तो गुठलियाँ लम्स बन जाती हैं, इसलिए साथ साथ ऐड करें और साथ साथ मिक्स करते रहें इस तरह से। तो अब हम कस्टर्ड को पका लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। कस्टर्ड को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त क्रीमी हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कस्टर्ड को हम ठंडा कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले ली है जी हमने सर्विंग ट्रे, और सर्विंग ट्रे का ही आपने लेना है जिसमें आपने नवाबी मीठे को साफ करना होगा। सबसे पहले हम अच्छी सी लेयर लगा लेंगे भुनी हुई सेवैयों की, इस तरह से। मतलब कि 1/2 सेवैयों की आपने पहले लेयर लगा देनी है इस तरह से, और 1/2 आपने बचा लेनी है। अब इस तरह से हमने एक कटोरी ली है, इसकी मदद से हम प्रेस करते हुए अच्छी तरह से सेवैयों को सर्विंग ट्रे में सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड जो हमने तैयार किया है, इसे भी आपने अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त, देख सकते हैं आप कितना क्रीमी टेक्सचर इसका लग रहा है। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे जी मिल्क पाउडर, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ऐड कर दें। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे जी कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि पिस्ते और बादाम, जिन्हें हमने इस तरह से बारीक बारीक सा कट कर लिया है। अगर आपके पास हैं तो ऐड कर दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर हम दोबारा से लेयर लगा लेंगे जी भुनी हुई सेवैयों की, इस तरह से। अच्छी तरह से आपने लेयर लगानी है। पहले आपने 1/2 सेवैयां ऐड करनी है, फिर 1/2 ऐड करनी है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर रहे हैं जी नारियल का बुरादा, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे जी हम पिस्ते, इससे बहुत ही ज़बरदस्त नवाबी मीठे की लुक आ जाएगी। तो लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी नवाबी सेवैयां बन चुकी हैं। इन्हें सेट करने के लिए हम फ्रिज में रखेंगे क्योंकि ऐसे तो इन्हें सर्व नहीं कर सकते। ठंडी ठंडी ही ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अब अगर आप चाहें तो इन्हें ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं, तब ज़्यादा मज़े की होंगी, ज़्यादा ठंडी ठंडी लगेंगी। लेकिन हमारे पास टाइम कम है इसीलिए हम 2 घंटे तक रखेंगे। तो 2 घंटे हो चुके हैं नवाबी मीठे को सेट करते हुए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा हो चुका है। अब फाइनली इसे हम सर्व कर लेंगे।
यकीन माने अभी ही मुंह में पानी आ रहा है इस नवाबी मीठे को खाने के लिए, क्योंकि जो मीठे के लवर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है रेसिपी। अब इस तरह से हम कट करेंगे और इतना ज़बरदस्त से कट हो जाता है नवाबी मीठा कि ऐसा लगता है जैसे कि आप केक कट कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक इस तरह से स्लाइस निकल आता है। आपने इसे ईद में ज़रूर ट्राई करना है, यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और पूरी फैमिली आपकी तारीफ करते बगैर नहीं उठेगी। तो आप देख सकते हैं इस नवाबी मीठे को मैंने कितना सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो केक की रेसिपी। माशाल्लाह से ये मैंगो केक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सा बनेगा। और इसे हम बनाएंगे जी विदाउट कंडेंस मिल्क, और ना ही हम इसमें मिल्क पाउडर का ऐड करेंगे और ना ही आपको बेक करने का झंझट होगा। तो चलिए आइए इस मजेदार से मैंगो केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंगो मलाई केक बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1/2 लीटर यानी कि 1/2 किलो दूध लिया है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून शुगर, कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे बॉईल कर लेंगे। इसके साथ ही हमने 1/2 लीटर दूध में से 1/2 कप दूध बचा लिया था, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। नहीं है आप ले सकते हैं जी कस्टर्ड पाउडर, कोई भी फ्लेवर का इसे मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ ही माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। ऐसे स्टेज पर जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सर तैयार किया था इसे हम एक दफ़ा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अक्सर कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। मिक्स करने के बाद हमने ऐड कर देना है जी इसे कम कम क्वांटिटी में कुछ इस तरह से, और आपने साथ साथ मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना बने, इस तरह से बस आपने ऐड करना है। तो इस तरह से अब हम मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस कस्टर्ड को पकाएंगे जी जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। और इसके साथ ही हमने लिया है जी मिल्क पैक की क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप ले सकते हैं जी मलाई फ्रेश दूध की, ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रीम ही ऐड करनी है, आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं 4 टेबल स्पून। तो इसे ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दूध में। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कस्टर्ड जो है वो आस्ते आस्ते से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। इसी तरह से हमने इसे मुसलसल पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता, तकरीबन इसे लगभग 2 से 3 मिनट लग ही जाएंगे। तो इस स्टेज पर हमने कस्टर्ड को चेक कर लेना है, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से चम्मच की मदद से एक मोटी लेयर लग रही है, चम्मच का ब्लैक वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। तो आपने जब चम्मच से इस तरह से करना है तो आपको एक पतली सी लेयर लग लेनी चाहिए। इस स्टेज पर ये बिल्कुल डन है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया है जी एक पैन, इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी और इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून शुगर। यहाँ पर हमने सीरम तैयार करना है, 1 पिंच के करीब इसमें हमने फूड कलर ऐड किया है। आप नहीं ऐड करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती के लिए अच्छा होगा। मिक्स कर लेंगे और इसे हमने इतना पकाना है कि जब तक शुगर अच्छे से पानी में मेल्ट नहीं हो जाती। कोई आपने चाशनी वगैरह नहीं बनानी, फ्लेम को ऑफ करेंगे साइड पे। इस तरफ हमने लिए हैं जी 2 अदद मैंगो और इन्हें हम कट कर लेंगे जी कुछ इस तरह से। सबसे पहले इनका छिलका आपने रिमूव करना है बहुत ही अच्छी तरह से। तो माशाल्लाह से ये मैंगो केक जो है बहुत टेस्टी बनता है, आप बना सकते हैं ईद में, क्योंकि ईद में हम बहुत ज़्यादा गोश्त वगैरह बनाकर कढ़ाई वगैरह, तो कुछ मीठा होना चाहिए साथ। तो आप बहुत ही इस न्यू स्टाइल वाले मीठे को बना सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरह से मैं इसके चंक्स निकाल लूँगी, आप अपने जिस तरह से आपको इजी वे लगे आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी है। इसे जितना भी मैंगो का वो बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो मैंगो की कटिंग हो चुकी है, इस तरफ हमने जूसर जग लिया है जो हमने मैंगो की कटिंग कर ली है, इसे हम ऐड कर देंगे और ग्राइंड कर लेंगे ऊपर से कवर करके। तो माशाल्लाह से पेस्ट हमने यहाँ तैयार कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो तैयार किया था कस्टर्ड, इसे हम एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करना है आपने। फिर इसे ट्रांसफ़र कर लेना है किसी भी बाउल में। कस्टर्ड जो है वो आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना फिर आप जब ठंडा करने के लिए रखेंगे तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। इस तरफ हम इसे स्मूदी और थोड़ा फ्लफ़ी टाइप बनाने के लिए इसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे सा फ्लफ़ी सा हो जाए। इसके साथ ही जो हमने मैंगो का पेस्ट तैयार किया है इसे भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना भी लम्स वगैरह हैं वो आपने बिल्कुल अच्छे से ख़त्म करना है, इतना आपने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर मिक्स हमने कर लिया है अच्छी तरह से, बिल्कुल परफेक्टली ये हमारा बैटर तैयार है। तो यहाँ पर मैंने पापे ले लिए हैं जी, आप कोई भी पापे ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने नॉर्मली पापे लिए हैं। इसके साथ ही मैंने सर्विंग ट्रे ली है और इस तरह से हम एक पापा लेंगे, इसे हम अच्छे से डिप कर लेंगे जी हमने जो चाशनी तैयार की थी इसमें। इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएंगे और दूसरे के ये बहुत ज़्यादा मीठे भी हो जाएंगे, क्योंकि मीठा ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हम इसे इस तरह से अच्छे से डीपने के बाद इसे ऐड करते जाएंगे और ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए ज़रूर इस तरह से स्टेप को फॉलो करते रहें।
तो अब इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है जी जो हमने तैयार किया है कस्टर्ड, इस तरह से। आप इसे आइसक्रीम कह सकते हैं क्योंकि हम इसे आइसक्रीम की तरह ठंडा भी करेंगे। आप इसे आइसक्रीम कहें, केक कहें या फिर आप डेजर्ट कहें, बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस सा बनता है। इसके ऊपर जो हमने चंक्स निकाल लिए थे ना, बस आपने वो ऐड करने हैं। जब आप एक बाइट लेंगे तब ये चंक्स आपके मुंह में आएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से दोबारा से हमने पापे रख लिए हैं। इसे आपने पहले जो है वो सीरम में डिप करना है, उसके बाद ही रखना है, वरना तो ये सख्त होंगे। जब आप इस तरह से डिप करके रखेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। दोबारा से हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है जी इस तरह से कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था। अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है आपने, और यहाँ पर आपने जिस चीज़ में सर्व करना है तो इसी चीज़ में आपने इसको जो है वो सब कुछ अच्छी तरह से सेटल आउट करना है, कि फिर इसी से आप आगे सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने इस तरह से हार्ड बना लिए हैं जी मैंगो के कटर की मदद से। अगर आप चाहें तो सिंपल कट भी बनाकर ऐड कर सकते हैं, चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। लेकिन यहाँ पर मैंने बस सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया है मैंगो का कटर की मदद से। इस तरह से मैंने रख दिए हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। एक तो लुकिंग बढ़ जाती है और दूसरा खूबसूरती में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इसे सेट करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी 2 घंटे तक, ताकि अच्छी तरह से ठंडा भी हो जाए और मज़ेदार भी हो जाए। तो माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं और ये हमारा केक बहुत अच्छे से सेटल आउट हो चुका है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी सा बहुत मज़ेदार सा बनता है। रेसिपी को आपने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है, आपको आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह से मैं इसे निकाल लूँगी, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बना है। प्लेट में निकालेंगे और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। इस स्टेज पर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस तरह से हम इसे सर्व कर लिया है जी किसी भी प्लेट में। रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी इजी सी मैंगो डेजर्ट की रेसिपी कैसी लगी। आप जो भी नाम दें, बहुत टेस्टी बनता है। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको लग पता ही जाएगा। रेसिपी आपको अच्छी लगी है थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी बहुत ही आसानी से इस मजेदार से न्यू स्टाइल मैंगो आइसक्रीम को या मैंगो केक को बना सके। सो ये है जी 10 मिनट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी और मजेदार सा स्वीट डेजर्ट, जिसे आप बहुत ही कम वक्त में एकदम जबरदस्त टेस्ट के साथ बना सकते हैं। एकदम आइडियल रेसिपी है बकरा ईद के लिए, क्योंकि कुछ नमकीन के साथ मीठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो इस मज़ेदार से मीठे को बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली हैं। 1/2 गिलास दूध, इसके अलावा 1/2 कप शुगर ली है, और ले लिया हमने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये तमाम चीज़ें हमने ले ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने दूध ले लिया है जो कि 1 kg है, यानी कि 1 किलो। यहाँ पर मैं फ्रेश दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। तो अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और दूध में हमने अच्छी तरह से बॉईल आने देना है, और साथ में ही हम इसमें शुगर का भी शामिल कर लेंगे। शुगर अपने मीठे के लिहाज से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब माशाल्लाह से देख सकते हैं दूध में जो है वो बॉईल आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह से 2 से 3 बॉईल अच्छी तरह से दूध में आने देंगे। यहाँ पर हम फ्लेम को अब 0 कर लेंगे और चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने जो दूध ले लिया है ना 1/2 गिलास, इसमें हम शामिल कर लेंगे जी कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने जैसा कि बताया 3 टेबल स्पून है, इस तरह से। अगर आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं मैंगो फ्लेवर का, लेकिन यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह से इसको शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना रहे दूध में। अच्छी तरह से ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर मिक्स हो जाए, इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। और उसके बाद जो है वो आपने दूध में इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है और साथ से मिक्स करना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, इससे क्या होगा कि लम्स वगैरह नहीं बनेंगे दूध में, अच्छी तरह से ये मिक्सचर मिक्स हो जाएगा। तो आप भी कुछ इसी तरह से शामिल कीजिएगा। रेसिपी को पूरा देखें, बहुत ही कमाल का माशाल्लाह से ये स्वीट डेजर्ट बनेगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। इसी तरह से हम इसको ऐड करेंगे और साथ से मिक्स करते जाएंगे। मैंगो वाला कलर देने के लिए मैं इसमें फूड कलर ले रही हूँ मैंगो वाला, जो कि हमारे पास 1/2 टीस्पून है, और इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको दूध में शामिल कर लेंगे कुछ इस तरह से। जब अगर आप मैंगो वाला कस्टर्ड पाउडर लेंगे तो फिर आपको कलर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो कलर आ जाएगा। अब हम इस कस्टर्ड को पका लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट तक, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस, जो कि 1 से 2 ड्रॉप के करीब है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड करें, वरना तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसको पकाएंगे, और इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। इस कस्टर्ड को हमने 2 मिनट तक पका लिया है, तो इसकी इतनी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ करके इसको हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे कुछ इस तरह से। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना बेहतरीन ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है।
तो अब हम क्या करेंगे कि इसको साइड पे करेंगे और चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने सर्विंग ट्रे ली है, जिस भी आप सर्व कर रहे हैं ट्रे आप वही लीजिए, इसी में आप इसको तैयार कीजिए। यहाँ पर एक लेयर हमने लगा ली है जी केक की, जो कि हमारे पास चॉकलेट केक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप व्हाइट केक भी ले सकते हैं, उसके साथ भी ये मज़ेदार सा डेजर्ट बनकर तैयार होता है। केक की लेयर लगाने के बाद ऊपर से हमने जो मिक्सचर तैयार किया है ना कस्टर्ड का, वो लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको ऐड करें और उसके बाद दोबारा से हम केक की लेयर लगाएंगे। और यकीन करें ये स्वीट डेजर्ट इतना मज़ेदार, इतना डिलीशियस बनेगा कि आप अपने हाथों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त कमाल का माशाल्लाह से बनता है, एक दफ़ा से ज़रूर बनाएं। और यकीन करें इस बकरे ईद पर जब आपने घर वालों को ये बना दिया आपने मज़ेदार सा स्वीट डेजर्ट, तो आपके घर वाले आपके हाथ चूमेंगे, क्योंकि इतना ये ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमने दोबारा से ऊपर से ऐड कर दी है जी कस्टर्ड की लेयर। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत चटपट में बनता है और जायका बहुत ही कमाल का होता है इस डेजर्ट का। और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से ऊपर से सेट कर लें। अब हम इसके ऊपर शामिल कर लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमारे पास बादाम और पिस्ते हैं, जिनको हमने इस तरह से कट कर लिया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से लेयर लगाएंगे ड्राई फ्रूट की, जब ये मुंह में आएंगे तो मज़ा ही आएगा। तो अब हम इसको रख देंगे जी फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे तक, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एक घंटे तक भी मैक्सिमम इसको रख सकते हैं। तो फाइनली माशाल्लाह से आधा घंटा हो जाने के बाद हम इस मज़ेदार से ठंडा ठार स्वीट डेजर्ट को डिश आउट कर लेंगे। यकीन करें केक से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सा बनता है, एक दफ़ा से ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, तो रेसिपी को बनाएं और इंजॉय करें। आज हम यूट्यूब चैनल फजल किचन ने बना रहे हैं, तो आज जो मैं आपके साथ मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी, इसे बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है। और ना ही इस मीठे को बनाने में कंडेंस मिल्क का यूज़ होगा, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही खोए का, और इतना ज़बरदस्त बन जाएगा ये टेस्ट में। और ये जो मीठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यकीन माने ये स्पेशली ईद के लिए है। चलिए आइए इस मज़ेदार से मीठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठंडा मीठा क्विक सा डेजर्ट बनाने के लिए हमने 4 पीसेस ब्रेड के लिए हैं, और अब इस तरह से ब्रेड के कॉर्नर्स हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपने ब्रेड लेनी है वो ताज़ी होनी चाहिए, इस तरह से अब आपने कट कर लेने हैं सभी ब्रेड के कॉर्नर्स। तो ब्रेड के कॉर्नर्स हमने कट कर लिए हैं, अब इन्हें साइड पे करेंगे और इस तरह से एक ब्रेड लेंगे और इसे सेंटर से कट करेंगे, एक ब्रेड के 2 पीसेस कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे ब्रेड के पीसेस की भी कटिंग करेंगे, तो सभी ब्रेड की पीसेस की कटिंग हो चुकी है। इन्हें फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन कर ली थी और पैन को हमने हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है जी बटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मली घी भी ऐड कर सकते हैं या फिर देसी घी भी। और इस तरह से जो ब्रेड के पीसेस हमने कट किए थे इन्हें रख देंगे, और इन्हें हमने हल्का सा फ्राई करना है बस, ताकि थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो अब आप देख सकते हैं ब्रेड के पीसेस हल्के से क्रिस्पी हो चुके हैं, इन्हें निकाल लिया है हमने, और इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड के पीसेस फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। और ये हमने ले लिया है जी बाउल में 1/2 कप दूध, जो कि फ्रेश है। अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। और इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, चम्मच भर के ऐड करना है, ये नॉर्मली चम्मच है जिससे हम चावल वगैरह खाते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना रहे, तो ये बैटर तैयार है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बर्तन लिया है, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें हमने ऐड कर दिया है 1/2 कप पानी, और अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर यानी कि शक्कर। अब एक तरह से हमने शुगर सिरप तैयार करना है, इसके साथ ही हमने लिया है इलायची एसेंस, अगर आपके पास नहीं है तो आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं। और बस आपने इसमें इलायची एसेंस के 3 से 4 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं। तो शुगर काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच फूड कलर और अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब चाशनी को हम मजीद 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। आपने इसको इतनी चाशनी बनानी है कि जैसे ही आप हाथ में इसे हल्का सा टच करें तो हल्की सी ये चिपचिपी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रही इसलिए हम मजीद इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से हमने चाशनी को चेक किया है, ये बिल्कुल तैयार है। बस आपने हल्का सा इसे चिपचिपा रखना है, ज़्यादा आपने चाशनी नहीं बनानी तार वाली। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस तरफ हमने एक बर्तन लिया है, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे दूध। और यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध दिया है जो कि 1/2 लीटर है यानी कि 1/2 किलो, और फुल फैट यानी कि मलाई वाला होना चाहिए। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दूध को हम पका लेंगे जब तक कि अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है, अब जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बनाया था उसे ऐड करेंगे और साथ साथ मिक्स करेंगे ताकि कोई भी गुठली या लम्स ना बने, इस तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने 4 टेबल स्पून ली है क्रीम, अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल दूध के ऊपर जो मलाई बनती है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे मिक्स।
तो अब इस मीठे को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि गाढ़ा हो जाए। तो अब ये मीठा तैयार है, फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने ले ली है जी सर्विंग डिश, और इसमें हमने जो ब्रेड के पीसेस फ्राई किए थे इन्हें हम रख देंगे इस तरह से। अच्छी तरह से आपने इसे सेट कर देना है, और अब इसके ऊपर ऐड करेंगे सीरम जो हमने तैयार किया था। अच्छी तरह से हर तरफ आपने इन ब्रेड के पीसेस के ऊपर डाल देना है, कोई भी ब्रेड के पीसेस खाली नहीं रहना चाहिए, इससे एक मिठास सी हो जाएगी ब्रेड के पीसेस में और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, पिस्ते और बादाम, इससे बहुत ही ज़बरदस्त मीठे में क्रंच आएगा। और अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे हम मीठा जो हमने ज़बरदस्त सा बनाया है। अच्छी तरह से हर तरफ इसे भी आपने ऐड करना है इस तरह से। मीठा ऐड करने के बाद आपने दोबारा से लेयर लगा देनी है जी ब्रेड की, ये भी आपने अच्छी तरह से लेयर लगानी है। अब इसके ऊपर हम दोबारा ऐड कर देंगे सिरप, इसे भी आपने अच्छी तरह से ऐड करना है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से ऐड कर देंगे पिस्ते और बादाम, और दोबारा से ही ऐड कर देंगे हम मीठा जो हमने बनाया था, इसे आपने अच्छी तरह से ऐड करना है। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे पिस्ते और बादाम अच्छी क्वांटिटी में, इसे बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की एक लुक आ जाएगी। और इसके ऊपर ऐड कर देंगे चांदी का वर, इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त मीठे में लुक आएगी। अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। मीठे को सेट करने के लिए हम हाफ आवर्स तक फ्रिज में रख देंगे। तो लीजिए बेहतरीन सा ये डेजर्ट अच्छी तरह से सेट हो चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में। अगर आपकी फैमिली सवैयाँ खाकर बोर हो चुकी है तो ज़बरदस्त सा ये मीठा ईद में आपने ज़रूर ट्राई करना है, यकीन माने सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। और माशाल्लाह ये मीठा बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनता है। अब मैं आपको इसे सर्व करके भी दिखा देती हूँ कितना ज़बरदस्त सा ये बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कट करेंगे इसे इस तरह से ले रखा है। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक, ये 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे सेट करने के लिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से इसके स्लाइस निकलेंगे इस तरह से। अब ये फाइनली सही से सेट नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सेट हो जाएगा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है ये। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।